आज हमने बिना ओवन, बिना मैदा, बिना बटर के गेहूं के आटे से एकदम हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट केक बनाई है। और आप देख सकते हैं ये एकदम मॉइस्ट और स्पंजी बनी है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं आटे की चॉकलेट केक। पहले हम कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। कुकर में मैंने एक रिंग रखी है, धीमी आंच रखेंगे। कुकर की रिंग अंदर ही रखना है, इसे निकालना नहीं है। और सीटी जो है हमें निकाल लेनी है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए गर्म कर लेते हैं। आधा कप ब्राउन शुगर ली है, इसके बदले में आप चीनी भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाइट चीनी ले सकते हैं। इसे मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। आधा कप थिक कर्ड लिया है, दही का पानी निकाल के लेना है। पतला दही हमें नहीं चाहिए, गाढ़ा ही लेना है। एक चौथाई कप रूम टेम्परेचर का दूध डालेंगे। इसे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ, आप हैंड विस्कर से भी इसे बीट कर सकते हैं। थिक और क्रीमी हो जाए तब तक इसे बीट करना है। मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक बीट किया है। 1/3 कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर को बीट करके मिक्स कर लेते हैं। कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे छन्नी में डाल देंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून पिंक सॉल्ट, सिंधा नमक, इसे छान लेते हैं। 1 कप आटा हमने डाला है अंदर, तो 1 कप में से मैंने 1 टेबलस्पून आटा बाहर निकाल लिया था। हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। घी को मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1/4 कप दूध डालेंगे। बैटर थोड़ा थिक है, इसके लिए दूध डाल के इसे पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। लाइटली बीट कर लेते हैं। इसे हमने 15 से 20 सेकंड के लिए ही सिर्फ बीट किया है। 1/4 कप डार्क चॉकलेट चिप्स है। हमने जो 1 कप आटे में से 1 टेबलस्पून आटा निकाल के रखा था, इसमें ये डाल के मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से चॉकलेट चिप्स को आटे में मिक्स करके डालने से चॉकलेट चिप्स नीचे नहीं बैठ जाती है। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो सारी चॉकलेट चिप्स नीचे बैठ जाएगी। हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टील का डब्बा लिया है केक को बेक करने के लिए। अच्छे से इसे घी से ग्रीस कर लेना है। इसके अंदर बटर पेपर लगा लेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप आटा डाल के इसे डस्ट कर सकते हैं। अंदर बटर पेपर अच्छे से लगा दिया है, बैटर डाल देंगे। इसे थोड़ा टैप करके एयर बबल्स निकाल लेते हैं। ऊपर से चॉकलेट चिप्स डालेंगे। 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स ली है। कुकर को लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए गर्म किया है। केक का टिन अंदर रख देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 1 मिनट के लिए तेज आंच पे इसे बेक करेंगे। 1 मिनट हो चुकी है तो गैस की फ्लेम हम धीमी कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे 40 मिनट तक बेक करेंगे। 40 मिनट हो चुकी है तो हम इसे चेक कर लेते हैं।
अंदर टूथपिक डाल के देख लेते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन निकली है तो केक जो है वो बेक हो गई है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं, बाद में इसे अनमोल्ड करेंगे। केक थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसे हम वायर रैक पे निकाल लेते हैं। बटर पेपर निकाल लेंगे। केक ठंडी हो गई है तो हम इसे कट करके देख लेते हैं। केक एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हुई है, बहुत ही अच्छी केक बन के रेडी हो गई है। इस तरह से एक बार आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।